नमस्कार ट्रेडर्स, मैं एडवोकेट आयुष अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था चांदी पर, और चांदी को भी बताया था बाजार क्या तेजी में है या नहीं, बताया था कि चांदी 78 हजार, बट चांदी तो मल्टी ईयर हाई ब्रेक कर दी, फर्स्ट टाइम लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है सोना भी और चांदी भी। तो समझने की बात यह है, अब आने वाले दिनों में बाजार किस करवट देगा, संभल के आपको ट्रेड करना है, ऐसे ही ट्रैप में नहीं फंस जाना। जो लोग शॉर्ट में बैठे हैं, क्या आप लोग क्या मिस्टेक सबसे बड़ी करते हो कि ये यहां तक गई थी तो अब यहां से ये गिरेगी, यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, भले ही वहां पे शॉर्ट का प्राइस एक्शन बन रहा हो या ना बन। तो वहां पे कुछ लोग मुझे लगता है फंसे हैं, और आप लोगों के कॉल्स भी आ रहे थे, तो संभल के ट्रेड करें, विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल करें। बाजार अभी भी तेजी में है, ओवरऑल पे है ये बात। दूसरी है, बाजार ऊपर नीचे चलता है, थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर आ सकता है बाजार में। तो वीडियो में बना नहीं पाया बीच में, लास्ट वीक वीडियो आई थी उसमें लेवल्स एक बार ही बता दिए थे आपको। चैनल पे नहीं हुए चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, प्रेस दी बेल आइकन। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट स्मार्ट ट्रेडिंग अकेडमी डॉट इन विजिट भी कर सकते हैं। जो लोग सीख के समझ के ट्रेड करना चाहते हैं, आज बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, रात 9 बजे से आप एनरोल करा सकते हैं, जिसमें मैं खुद आपको लेवल्स निकालना सिखाता हूँ, चीजें समझाता हूँ, कैसे बाजार में आप लेवल्स निकाल के एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट सीख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी, सब टॉप सीक्रेट स्ट्रेटेजीज वहां पे शेयर करते हैं वहां पे। अब चांदी में देखो, चांदी सिल्वर फ्यूचर 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे मैंने लगा रखा, और चांदी में अगर आप देखो ओवरऑल हायर आइस फॉर्मेशन, यूरी एक ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आपको डेली चार्ट पे लेके चलूं तो डेली चार्ट पे भी आपको एक ब्रेकआउट वहां पे मिल जाएगा। तो वीकली चार्ट पे आप क्लियर कर देख सकते हो कितना परफेक्ट ब्रेकआउट आया है। कौन सा ब्रेकआउट आया है ये देखो, यहाँ पे ये वाला हाई था बाजार में, ये हाई था बाजार, यहीं से गिर रहा था, तो कभी ना कभी ये हाई तो बाजार को तोड़ना ही था, तो अब की बार बाजार ने तोड़ भी दिया, ठीक है, और अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ा, जो अपने आप में पॉजिटिव साइन है बाजार के लिए। तो आने वाले दिनों में चांदी के लिए अच्छे दिन है। जो लोग कई सालों से बैठे हुए थे चांदी में अपनी फिजिकल होल्डिंग लिए, मुझे लगता है एक अच्छे दिन लौटते हुए हो सकता है नजर आए चांदी। एक खास बात यह रही, डॉलर इंडेक्स में बिकवाली नहीं देखने को मिल रही, बट फिर भी सोने और चांदी में खरीदारी बढ़ रही है लगातार, ठीक है, क्योंकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है FOMC इंटरेस्ट रेट हो सकता है कम कर दे, तो उससे पहले ही बाजार में एक तेजी है, और उसके बाद हो सकता है फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि बाजार उस न्यूज को डिस्काउंट कहीं ना कहीं कर देगा तब तक। तो अब बात कर लेते हैं हम लेवल्स की, खास तौर से 15 मिनट के चार्ट पे चल रहे हैं। 15 मिनट के चार्ट पे देखो, बाजार ने वहां पे एक बार को पॉज लेने की कोशिश करी है 15 मिनट चार्ट पे, और डबल टॉप काइंड ऑफ वहां पे पैटर्न बना रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है बाजार ओवरऑल तेजी में कि आप शॉर्ट कर, ठीक है। जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, 5-10 मिनट के लिए ट्रेड करते हैं, निकल जाते हैं, वो जरूर ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर आपको बियरिश प्राइस एक्शन मिलता है। तो ओवरऑल बाजार में क्लियर कट अप ट्रेंड, ये वाला एक हाई बाजार ने ब्रेक किया, तो ये ब्रेकआउट, ये एक तरीके का सपोर्ट यहाँ पे बन गया 80,000 रुपीज के आसपास। तो एक बार को बाजार आप देखो अभी फिलहाल जो ट्रेड कर रहा है 80,951 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार पैटर्न भी बाजार ने बनाया है, ठीक है, फिर एक बार को मारो बोजू कैंडल बना दी रेड कलर की, तो बियरिश साइड, तो एक बार को बाजार हो सकता है 81,000 रुपए से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग रिट्रेसमेंट करने नीचे, क्योंकि बाजार जब ऊपर जा रहा है तो नीचे भी तो आ रहा है ना। अब इसने यहाँ पे हैमर बना दिया सपोर्ट के आसपास, फिर आप देखो एक सपोर्ट ये भी आपको पता लग गया यहाँ, तो ये जो साइडवेज मूवमेंट है बाजार की, इस मूवमेंट से साइडवेज रेंज से अगर जब निकलेगा तो बाजार में एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आपको देखने को नीचे की तरफ मिल सकती है इस सपोर्ट के नीचे। कहाँ तक सपोर्ट है बाजार में, 80,000 रुपीज का एक सपोर्ट नजर आ रहा है। इसके ऊपर की छोटे सपोर्ट की बात करें तो 80,300 का एक सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है, 80,300, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए 80,000, मोटा मोटी 80,000, देन उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट बाजार में बनेगा 79,500 रुपीज का, ये वाला सपोर्ट जहां से बाजार ने एक रैली पकड़ी है, ठीक है, उसके बाद बनेगा 78,900 रुपये। तो बाजार में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो कैसे आएगी, बाजार पहले इस लेवल तक आएगा, ठीक है,
शॉर्ट करना है तो इस लेवल के नीचे शॉर्ट साइड पोजीशन प्लान की जा सकती है। वीडियो केवल देखो एजुकेशनल पर्पस है, कोई भी मेरी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एनालिसिस है। ओवरऑल बाजार तेजी में, आप बाय साइड बैठेंगे तो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। वो आपको डिसाइड करना है कहाँ बैठना है, किस क्या स्टॉप लॉस में, ठीक है। तो 80,000 रुपए के आसपास बुलिश प्रेशर भी बगता है तो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। 79,500 के आसपास मिलता है तो ठीक है। वीकनेस कहाँ गिरा सकती है, 80,000 के नीचे चलता है तो वीकनेस बाजार को लेके आ सकती है। चांदी को 79,500, 78,900, देन 78,000 रुपीज का अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। तो ये अच्छे सपोर्ट फिलहाल बाजार के लिए दिखाई दे रहे हैं 78,000 रुपए तक। तो बाजार एक बार को कभी भी आपको 78,000 रुपए के आसपास मिल जाता है तो वो एक सेफ ट्रेड बन सकता है बाजार के लिए बाइंग साइड। अगर आपको बुलिश प्राइस एक्शन वहां पे उस रेंज में मिल रहा है तभी ट्रेड करें, कंफर्मेशन पे ट्रेड करें, ऐसे ही तुक्का ना मारे मेरे लेवल्स देख। तो चीजें आप कंफर्मेशन पे करेंगे तभी अपना लॉसेस को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और फंसेंगे नहीं बिल्कुल। वीडियो पसंद आ रहा है इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन बताओ। आपको क्या लगता है चांदी कहाँ जाएगी इस साल 2024 में, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए अपने व्यूज। आपके व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप भी एक ट्रेडर हैं, मुझे भी पता चले आपको क्या लगता है बाजार में, बाजार तेजी में है या मंदी में है, कहाँ तक बाजार जा सकता है। देखो $26 का जो लेवल लास्ट टाइम मैंने आपको दिया था वो बाजार ने ब्रेक कर दिया, तो नेक्स्ट हर्डल बाजार में अब निकल के आता है वो $28 का निकल के आता है। $26 का स्ट्रॉन्ग हर्डल था, देन उसके बाद $28 का स्ट्रॉन्ग हर्डल है। तो एक बार को बाजार यहाँ पे बिल्डअप कर भी रहा है, अगर आप देखो अब बिल्डअप करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है। आपको क्या रखना है, आपको प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। 27,50 के अभी फिलहाल ऊपर चल रहा है, इसके ऊपर भी निकलता है तो एक तेजी बाजार पकड़ सकता है, तो इसे देख के भी आप MCX में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल बाजार में हर्डल $28 का रहे। बाजार अगर 27.30 के नीचे बियरिश प्राइस एक्शन आपको मिल जाता है, इसके नीचे उतरता है तो वीकनेस गहरा सकती है बाजार में, जो बाजार को $27 और उसके बाद 26.75 का नेक्स्ट सपोर्ट बाजार में बनता है, ये वाला सपोर्ट, और उसके बाद 26.40 के सपोर्ट बाजार में नजर आ रहा है। तो डेटा न्यूज एनालिसिस जरूर करें, आप चीजें समझे तभी ट्रेड करें। बाजार में हर चीज का इम्पैक्ट बाजार पे आ रहा है, तो आप देखो यहाँ पे क्या है बाजार, ये एक सपोर्ट था बाजार का, बाजार ने यहाँ से इस जगह से रैली पकड़ी थी, दोबारा पकड़ी, दोबारा यहाँ से रैली बाजार ने पकड़ी, डबल बॉटम बना के बाजार ने, ठीक है। तो एक अच्छा सपोर्ट जो बाजार में है वो यही नजर आ रहा है 26.40 का, उसके नीचे जो सपोर्ट है फिर बाजार में $26 का मेजर 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 सपोर्ट बाजार, ठीक है। तो बाजार अगर ऊपर गया तो एक बार को छोटा मोटा रिट्रेसमेंट देगा ही देगा, चाहे वो $28 से दे, चाहे फिलहाल जो मैंने लेवल बताया उसके आसपास से देने का प्लान करें। अगेन वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज से, आप चीजें समझ के ट्रेड करें, प्राइस एक्शन पे मास्टरी है तभी आप ट्रेड करें, अदरवाइज आप हमसे सीख भी सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेके दिल्ली नोएडा में, या फिर ऑनलाइन क्लासेस लेके, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich game.